उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास तथा जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने चित्र बनाने की फैक्ट्री का किया उद्घाटन। मीडिया से रूबरू होकर ओम प्रकाश राजभर के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि कमल के आगे कोई जिन्ना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी। जिले में आलू उत्पादक किसानों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। जिले के शिकोहाबाद इलाके के दिखतौली गांव में आलू प्रसंस्करण और चिप्स बनाने की इकाई स्थापित की गई है। जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह ने आज इसका लोकार्पण किया। खास बात यह है कि इस इकाई का संचालन एक स्वयं सहायता समूह की करीब 650 महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह इकाई पूरे प्रदेश में इस मॉडल में स्थापित होने वाली पहली इकाई होगी। इसकी स्थापना पर करीब 60 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। फिलहाल इस प्लांट में 50 किलो आलू का प्रति घंटे के हिसाब से प्रोसेसिंग कार्य होगा। जिले की गिनती प्रमुख रूप से आलू उत्पादक क्षेत्र में की जाती है। यहाँ का आलू देश भर की मंडियों में बिकने के लिए जाता है। इस प्लांट का लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री आज करेंगे। यह प्लांट अपने आप में अलग है। आजीविका मिशन के तहत 650 महिलाओं के समूह द्वारा किया जाएगा। इसकी जो अनुमानित लागत है वह 60 लाख के करीब आएगी। सभी महिलाओं की इसमें बराबर भागीदारी आएगी। इस प्लांट की स्थापना में सरकारी सहायता भी ली गई है। और आजीविका मिशन जिसे हम एनआरएलएम कहते हैं नीचे, और राज्य में जब हम इसका भी करते हैं उसे एसआरएलएम के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी हैं, हमारे जो मिशन निदेशक हैं भानुचंद गोस्वामी जी हैं। मुझे खुशी इस बात की जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधानसभा माननीय विधायक मुकेश राजपूत जी का इनोवेशन और उनकी खोज, हमारे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ काम करने वाली मुख्य विकास अधिकारी की कड़ी मेहनत, और ग्राम्य विकास विभाग के उपायुक्त मनरेगा और उनके सहयोगियों के अथक परिश्रम का ये परिणाम है कि जिस चीज को हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से समाज को समर्पित करते थे, चिप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर आइटम है, जिसे हम हर दुकान से लेकर ट्रेन के हर कोच में, बस स्टेशनों पर ट्रेवलिंग करने वाले पैसेंजर्स के पॉइंट्स पर, कहने का मतलब है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर पर जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसे गांव की हमारी जो समूह की दीदियां हैं और जो स्वयं सहायता समूह का हमारा संगठन है उसमें महिलाओं की अगुवाई में इतने बड़े प्रोजेक्ट ने आज स्वरूप लिया, मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। मैं जिलाधिकारी फिरोजाबाद को उनके प्रयास, उनके मुख्य विकास अधिकारी के इनोवेशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संरक्षण के साथ पूरे जिला प्रशासन की मैं प्रशंसा करता हूँ, और अपने योग्य विधायक शिकोहाबाद माननीय मुकेश राजपूत जी, जिन्होंने बहनों को मात्र शक्तियों के संवर्धन की दृष्टि से अपने विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े उद्योग को स्वरूप देने में कामयाबी हासिल की। मैं अपने माननीय विधायक की हृदय से सराहना करता हूँ और इस क्षेत्र की आराध्य जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक ऐसे योग्य विधायक को चुना है जिसके दिमाग में लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने का, उन जिनका काम हमने झांसी में किया है, हम ऑयल का भी काम हमने स्वीकृति इसकी दी है और भारत सरकार ने हमें सहयोग दिया है, और कुछ चीज़ें जैसे गेहूं के उत्पाद को या विभिन्न बाई प्रोडक्ट्स को ODOP का जो हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने लिया, हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है, ODOP के उत्पादों से अलग अलग जनपदों की जो
विशेषज्ञ हैं या विशेषता है उनकी। फिरोजाबाद में कांच का व्यवसाय ऑलरेडी ODOP से जुड़ा है, लेकिन इन बाई प्रोडक्ट्स को भी हम आइडेंटिफाई करके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इसकी मार्केटिंग हो। और जिस तरह की हमने पैकेजिंग देखी है अभी तक जितने भी पैकेट्स हमने देखे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी ग्रामीण परिवेश की महिलाओं ने जिस तरह की पैकेजिंग की है, जिस तरह की क्वालिटी मेंटेन की है, वो सर्टिफाइड है और सबसे अभी तक जितना हमने देखा उससे बेहतर। सर 2022